करते हैं वो क्यों है? कि आत्मा का ज्ञान सुना, पहला प्रश्न आपने सुना, मैं कौन? मैं आत्मा। लेकिन इसके ऊपर हमें कभी चिंतन नहीं किया। योग में जब बैठते हो, खाना बनाते हो, सोचो मैं कौन, आत्मा क्या है पूछना। ये एक घंटे का एक्सप्लेनेशन है, ये पांच प्रश्न नहीं, पांच घंटा आप योग में बैठ सकते हो, इतना विस्तार है। शॉर्ट करते एक पूछ रहे, एक बता रहा, मैं कौन? मैं आत्मा। क्या है? मन है। ये मन क्या करता है? अपने आप से पूछना, इधर बैठे बैठे पूछना, देखना ये मेरा मन क्या कर रहा है, किसका सोच रहा है, किसके विचार आ रहा है। ये मन तो मेरा, दूसरों का तो नहीं है ना, ये मेरे मन में किसका विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, पूछो अपने आप से। देख लो मन में देही देहधारी का, परिवार का, दूसरों का विचार क्यों आया? हम इधर आए बाबा का ज्ञान सुनने के लिए, दूसरे विचार क्यों आ रहे? अपना मन अपने को पढ़ा नहीं, मन तुम इनके लिए नहीं सोचो, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, इनसे मुझे नहीं चाहिए, ये विचार नहीं करना। बार बार अपने मन को समझाओ। मन में दो प्रकार के विचार, एक पुराने, 10 साल पहले इसने गुस्सा किया था, 10 साल पहले इस बहन जी ने बहुत सुख दिया था, इस भाई ने बहुत मदद किया था, पुराने विचार जो अंदर भरे हुए, और एक इस फूल को देखते ही विचार आता, ये सही है कि गलत है, ये रियल है कि आर्टिफिशियल है। वर्तमान दो प्रकार के विचार, मेरा मन क्या करता है, दो प्रकार के विचार, एक पुराना, देखना पुराने विचार आते हैं तुरंत समझा, नहीं पुराने बात सोचना नहीं चाहिए, तब बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। जो मर गए उनकी याद करके फायदा क्या है, क्या कर सकते हो, तुरंत समझा नहीं ये पुरानी बात नहीं सोचना चाहिए, खत्म। उसको बाबा कहता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ऐसे लगता नहीं, समझाना पड़ता है, अरे इनकी याद क्यों आई, ये मर गए, ये खत्म हो गया, उन्होंने कल गुस्सा किया था, आज तो नहीं किया, आज उनकी याद आने से क्या फायदा, मेरा ही मन खराब होगा। तो मन को समझाना है, तो मन को कौन समझाएगा, कौन समझाएगा, चश्मे वाली माता जी बताओ, नहीं और कोई नहीं बताना, एक ही माता जी बताओ, आप बताओ मन को कौन समझाएगा, आप नहीं माता जी बताते, हाँ समझना तो मैं ज्ञान अंदर गया है, हाँ ये नहीं समझा बताएंगे तो अभी ज्ञान समझा नहीं। तो बच्चों को मां समझाती है, टीचर स्टूडेंट को टीचर समझाता है, मुझे कौन समझाएगा, बुद्धि। बुद्धि किस आधार से समझाएंगे, अगर रोज आपने अच्छी तरह से मुरली सुनी है, मुरली बुद्धि को याद रखती है। मन चंचल है, मन में किसी को देखते गलत विचार आएगा, भाई को देखते अरे यही भाई था, ये 2 साल पहले इतने कितना परेशान किया, आएगा तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, हाँ इसने परेशान किया है, बाबा का बच्चा, बाबा ये आपका बच्चा, इसको आप सद्बुद्धि दे दो, ऐसा कर्म और न करे, इस बच्चे को शक्ति दे दो, ऐसा गलत कर्म न करे, बाबा तो बाबा की याद आनी चाहिए, इसको कहते बाबा की याद, मुरली याद आना चाहिए। तो बाबा ने मुरली में कहा औरों के प्रति शुभ सोचो, शुभ भावना रखो, हाँ ये आज खराब है कल ठीक हो जाएगा, बाबा इसको ठीक करेगा, ऐसे शुभ भावना रखो। तो ये बुद्धि करती है, बुद्धि मन को समझाती है, जितना बुद्धि के अंदर ज्ञान है उतना अच्छा समझाती है, अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है तो गलत समझाएंगे, वो भी गुस्सा करता है, वो भी करता है, ये भी करता है, ऐसा कारण बताएंगे, है ना। तो ज्ञान से मन को समझाना चाहिए, समझ में आया, मन दो काम करता है, कभी भी देखना मेरे मन में किस प्रकार के विचार है, अपने आप को देख लो, एक पुराने विचार एक नए आ गए अभी के, तो पुराने आते तुरंत उसको समझाना चाहिए, ये विचार करना नहीं चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं, वो हो गया, उसको बाबा ने ड्रामा शब्द यूज किया, ड्रामा कब तक कहना चाहिए, तो हो चुका, अभी ड्रामा नहीं करो, कुछ हुआ कि ड्रामा में था, हो गया, अब उसको कुछ कर नहीं सकते, तब ड्रामा शब्द यूज करना चाहिए, उसके पहले नहीं। समझ में आया, अभी बुद्धि क्या करती है, बुद्धि आपके पास है, क्या करते हो, 3 प्रकार से काम करते हो, पता मुझे, मेरा 2 हाथ मेरे ही है, एक ही जैसे है, ये हाथ किसके लिए काम यूज करते हो, ये हाथ किसके लिए यूज करते हो, ज्ञान से, इससे हाथ से मैं खाता, मेरा हाथ है, मैं खाओ, हाँ खा सकते हो, अगर मेहमानों के साथ बैठ के इस हाथ से खाना खाएंगे तो क्या कहेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, देखो इस बच्चे को मां बाप ने खाना खाना भी नहीं सिखाया, दोषी कौन, मां बाप,
है ना, कि किस हाथ से खाना खाता है, इस हाथ से खाना चाहिए, ये मर्यादा। तो इसलिए आपको पता बुद्धि आपकी है, लेकिन बुद्धि क्या क्या काम करती है वो जानना चाहिए। किसी को पता है, कोई बताएगा बुद्धि क्या करती है? तीन प्रकार से कार्य करती है, बताओ। हाँ, क्या करती है? एक मन में विचार आया, आपको देखते ही बुद्धि कह रही है आम खाने वाला है ना, निर्णय देती है ना। एक दूसरा हाँ, बुद्धि अनुभव करती है, देखो वो विचार है, अनुभव करती है ये आम खट्टा है, ये आम मैंने कल खाया था बहुत मीठा है, दिखाई नहीं देता है, मुंह में पानी आता है, बहुत मीठा आम है, महसूस करता है, मीठा कड़वा दिखाई देता है नहीं, अनुभव करता है, बुद्धि अनुभव करती है। तीसरा चित्र विजुलाइज, हाँ देखो इतना होशियार है, मुझे लगा कि होशियार नहीं है, देखो होशियार है, बुद्धि स्थूल चीजों का, आप कहेंगे तो आम का चित्र आएगा, अगर आपको मीठा ये आम मीठा है, मीठे का चित्र आएगा, शिव बाबा का चित्र आएगा नहीं, शिव बाबा निराकार है, उसका चित्र नहीं आएगा, आत्मा का चित्र दिखाई देगा नहीं, निराकार, आत्मा को न देख सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो, शिव बाबा को देख नहीं सकते, शिव बाबा का अनुभव कर सकते हो, मीठा आम खट्टा आम दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है ना। तो बुद्धि अनुभव करती है, बुद्धि स्थूल चीजों का चित्र दिखाती है, बुद्धि नेत्र का, जब आंखें बंद करके रात को सोते हो तो स्वप्न दिखाई देता है, उस जो शरीर के द्वारा किए हुए कर्म स्वप्नों में आता है, बुद्धि निर्णय करती है, किसी को देखते ही ये खाने वाला फल या नहीं खाने वाला फल, इनके लिए कैसा सोचना, ऐसा सोचना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बुद्धि निर्णय देती है, बुद्धि अनुभव करती है, बुद्धि स्थूल चीजों का चित्र दिखाती है, सूक्ष्म का नहीं। शिव बाबा का चित्र दिखाई देगा बताओ, तब बाबा ने कहा इन आत्माओं से देख नहीं सकते हो, आत्मा को देख सकते हो नहीं, आत्मा को भी देख नहीं सकते, आत्मा अनुभव होता, मैं शरीर के बीच में प्रकृति के बीच में बैठा हूं, ये चमकता सितारा दिखाई देगा, हाँ ये याद पता होना चाहिए, आत्मा निराकार है, एक शक्ति है ना, तो वो दिखाई नहीं देता, अनुभव होता, ये तीन बात याद रखनी चाहिए।